बिलियन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जब दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उसके चार परिणाम हो सकते हैं। कितने परिणाम? चार परिणाम। अब क्या क्या चार परिणाम हो सकते हैं? वे दोनों पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी अलग रहे, अलग अलग रहे। जैसे विलयन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो एक दूसरे के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? अलग अलग रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? वे दोनों पदार्थ यदि उनमें से एक जल हो और दूसरा क्या हो? दूसरा दूसरे से मिलकर पायस बने। जैसे पायस जिसको बोलते हैं एमल्सन, क्या बोल? एमल्सन। तो दूसरे से एमल्सन बने उसको बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? वे दोनों पदार्थ एक दूसरे से मिलकर एक समांग मिश्रण बनाए। वे दोनों पदार्थ एक दूसरे से मिलकर एक समांग मिश्रण बनाए। समांग मिश्रण का मतलब होता है कि इसमें कोई मिश्रण दो दो चीज़ें मिले हों, ठीक है। जैसे चीनी और पानी का उसको समांग मिश्रण हो गया। तो उन दोनों, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा, उन दोनों पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया होकर एक या अधिक अन्य यौगिक बने। मतलब दोनों पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया करा करके उसको एक से अधिक यौगिक बना सकें या अन्य चीज़ें बना सकें। तो हमको पता है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में घटित होती है। सामान्य जीवन में हम बहुत ही शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। सामान्य जीवन में जैसे हम लोग जीवन जो जी रहे हैं, उसमें हम बहुत ही कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। जैसे हम, आप लोग खुद गेस करो कि हमें क्या पता है शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं। आप लोग घर पे बैठे बैठे सोचना है कि जो हम लोग खाते पीते यूज करते हैं, उसमें सबसे शुद्ध पदार्थ कौन है, ठीक है। तो अधिकांशतः ये पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हम लोग यूज करते हैं जो, ठीक है, तो किसी न किसी चीज़ का मिश्रण होता है, शुद्ध भी हो सकता है। तो उनका जीवन में उपयोग और महत्व, तो उसके बारे में हम लोग, उसके संगठन पर निर्भर करता है। संगठन कैसा है? जैसे पीतल है, तो पीतल एक ही चीज़ नहीं होता है। पीतल उसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है। क्या होता है? जिंक और निकल का मिश्रण होता है। पीतल जो है जिंक और निकल का मिश्रण होता है, फिर भी उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। क्यों? जिंक भी शुद्ध रहता है और निकल भी शुद्ध रहता है, ठीक है। तो गुड जर्मन सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर होता है, वो भी क्या होता है? वो भी एक शुद्ध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर जिंक और निकल का मिश्रण होता है। जो जर्मन सिल्वर होता है उसको किसका मिश्रण होता है? कॉपर जिंक और निकल का मिश्रण होता है। अथवा कासा जो होता है, कासा जिसको बोलते हैं, तांबे और टीन का मिश्रण होता है, ये सब से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों को 1.0 PPM मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि इसका 1.5 PPM मात्रा दोनों के कुरबरित पीला, कुरबरित का मतलब होता है पीलापन होने के कारण होती है। तो तथा फ्लोराइड, फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सोडियम फ्लोराइड का उपयोग क्या होता है? चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एक जो पॉइजन भी होता है। और अतिशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय पदार्थ में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं, जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती है। यही सब इसके उदाहरण हैं। तो हमको पता है विलयनों के, जो विलयन पढ़े हैं सब, विलयनों के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं पता है? नहीं पता है तो जानिए। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। सामान्यतः विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वह विलायक कहलाता है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक बोलते हैं। अब विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित या अधिक अवयव विलेय कहलाता है। मतलब उसके अतिरिक्त जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है? विलेय कहलाता है। प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब आप पढ़े हैं। इसके बाद आप लोग ठोस द्रव के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, किताब में पढ़ लेंगे। कल हम इसके आगे समझाएंगे, ठीक है। हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग
इसको हम YouTube पे डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।